जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईडिया पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSPSCL के बारे में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और BSSC इंटर लेवल के बारे में। इन दोनों के बारे में साथियों, बहुत ही इन दोनों वैकेंसी के बारे में साथियों, बहुत सारे साथियों के द्वारा मैसेज किया जा रहा था कि कृपया इस दोनों वैकेंसी के बारे में आप डिटेल से बताइए कि कौन सा वैकेंसी ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा फॉर्म भरना ज्यादा अच्छा रहेगा और कौन सा जॉब ज्यादा अच्छा है। तो देखिए साथियों, हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा जॉब ज्यादा अच्छा है और कौन सा जॉब खराब है, क्योंकि ये आदमी का अपना अपना चॉइस पे है कि इनको कौन सा जॉब अच्छा लगता है, किनको कौन सा जॉब नहीं अच्छा लगेगा। हम साथियों क्या करेंगे कि इसमें दोनों का विशेषता, दोनों का खासियत और दोनों का डिमेरिट, हानि, दोनों का हम बारी बारी से डिटेल डिस्कशन कर देते हैं साथियों। अब इसके अनुसार जिनको जो चाहिए उस तरह से वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे साथियों। तो आइए साथियों, हम चर्चा करते हैं BSPCL टेक्नीशियन के बारे में और BSSC के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि BSPCL बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो वैकेंसी आया है वो टेक्नीशियन के लिए आया है। और ये जो है BSSC इंटर लेवल का है, इसमें मेनली जो पोस्ट आया है वो पंचायत सचिव के लिए आया है और राजस्व कर्मचारी के लिए आया है। देखिए साथियों, BSPCL जो है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, ये PSU कंपनी है। आप इसको बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का है, इसमें आपका टोटल स्टेक सरकार का इस पे नहीं है, इस पे आपका 70% स्टेक गवर्नमेंट का है या फिर 60% स्टेक गवर्नमेंट का है और बाकी 40% या फिर वही मतलब 50-50 या फिर 60-40 का रेशियो है, जिसमें कि आपका 40% आपका कंपनी का स्टेक है। ठीक उसी तरह से साथियों, लेकिन BSSC जो है ये फुल्ली गवर्नमेंट है, फुल्ली बिहार सरकार का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये, ठीक ना, पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अंतर्गत आता है। अब देखिए साथियों, हम आते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो टेक्नीशियन का पोस्ट है वो लेवल 4 का पोस्ट है। लेवल 4 का पोस्ट है यानी कि इसका पेमेंट जो है, बेसिक पेमेंट जो रहेगा 25,500 से लेके 81,100। तो ये हो गया साथियों पेमेंट के बारे में। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो वैकेंसी है टेक्नीशियन का वो लेवल 4 का है, इसमें जो भी जॉब करेंगे लेवल 4 में जॉब करेंगे और इनका बेसिक पे जो रहेगा 25,500 से 81,100 के बीच में इनका बेसिक पेमेंट रहेगा। यानी कि आपका जब स्टार्टिंग होगा तो 25,500 से होगा और रिटायरमेंट जब होगा उस समय तक आपका 81,100 तक का होगा। लेकिन अब देखिए, ये तो बेसिक हुआ, इसमें भी आपका डीए जुड़ेगा जुड़ेगा टीए जुड़ेगा, डेयरनेस अलाउंस जुड़ेगा, ये सब टोटल जोड़ते हुए होम अलाउंस जुड़ेगा, मेडिकल अलाउंस जुड़ेगा, ये सब जुड़ते हुए आपका पेमेंट लगभग अच्छा खासा हो जाएगा, लगभग 40-45 के लगभग में हो जाएगा साथियों। तो ये था आपका BSPCL के लिए। अब साथियों हम आते हैं बिहार SSC के लिए। बिहार SSC का जो वैकेंसी है साथियों वो लेवल 2 और लेवल 3, मेनली जो जिसमें पोस्ट है वो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए है, जिसके के लिए कि लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, राजस्व कर्मचारी जो है वो लेवल 2 का जॉब है और लेवल 2 का जॉब है यानी कि इसका बेसिक जो होगा 19,900 से लेके
63,200 तक, यानी कि जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपका स्टार्टिंग होगा 19,900 और जब रिटायरमेंट कीजिएगा तो आपका पेमेंट होगा 63,200। ये बेसिक है, इसमें अलायंस जुटता है, जैसे आपका डीए हो जाएगा, टीए हो जाएगा, आपका महंगाई भत्ता आपका, फिर हो जाएगा होम अलायंस, फिर मेडिकल अलायंस, तो ये सब टोटल अलायंस जोड़ के आपका पेमेंट बनेगा, लेकिन ये बेसिक पे जुटेगा 19,900 पे ही। उसके बाद साथियों एक पोस्ट आ जाता है आपका पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव का जो पोस्ट है साथियों आपका लेवल 3 का है। लेवल 3 का मतलब इसका बेसिक 21,700 से लेके 69,100 तक इसका बेसिक पेमेंट रहेगा साथियों। बाकी फिर वही डीए टीए महंगाई भत्ता आपका, और फिर आपका हो जाएगा रेसिडेंस यानी कि होम अलायंस, और फिर आपका मेडिकल अलायंस, यही सब जोड़ जाड़ के आपका बेसिक पेमेंट बनेगा। अब देखिए साथियों इसका जॉब प्रोफाइल हम देख लेते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो साथियों बीएसपीसीएल में जो टेक्नीशियन बनिएगा, ये आप टेक्नीशियन बनिएगा, लेकिन इसमें भी आपको पब्लिक अपेयरेंस है, इसमें भी आपको पब्लिक से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, आपको पब्लिक से मिलना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में काम करना पड़ेगा आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के में भी। क्योंकि देखिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको टेक्नीशियन का पोस्ट दिया जाएगा। टेक्नीशियन में आपका होगा क्या कि कहीं लाइन में प्रॉब्लम आया, कहीं ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आया, किन्हीं का कनेक्शन काटना हो या फिर किन्हीं को कनेक्शन देना हो, कहीं किसी गांव में कोई प्रॉब्लम आया हो बिजली में, तो आपको जाके मिलना है, आपको वो काम करवाना है। इसमें कभी कभी साथियों आपको फील्ड वर्क रहेगा, कभी कभी ऑफिस वर्क रहेगा। फील्ड वर्क में साथियों आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, कभी कभी आपको ट्रांसफार्मर पे भी चढ़ना पड़ेगा, पोल पे भी चढ़ना पड़ेगा लाइन ठीक करने के लिए साथियों। ये हो गया बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। तो वही साथियों बीएसएससी का है, ये भी आपको पब्लिक से ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक राजस्व कर्मचारी है जो कि आपका खेत से रिलेटेड ब्यौरा रखेंगे, और एक है साथियों पंचायत सचिव। अगर पंचायत सचिव का रोल नहीं जानते साथियों, तो पंचायत जो सीजन आता है, जो कि पंचायत सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 आने वाला है 28 तारीख को, उसमें आप पंचायत सचिव का रोल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सेम जो जीतू भैया कर रहे हैं पंचायत सीरीज में, सेम वही काम होता है पंचायत सचिव का। तो साथियों पंचायत सचिव में भी आपको फील्ड वर्क है और आपको लोग से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपका पंचायत सचिव पंचायत भवन में आपका ऑफिस रहेगा, वहीं पे आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करना होगा और गांव गांव घूर के सरकार के स्कीम को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। और एक अनुसार है साथियों कि इसमें जो पंचायत मुखिया जो होता है, पंचायत में जो मुखिया होता है या फिर उसको प्रधान भी कहा जाता है, तो आपको प्रधान से या मुखिया से आपको तालमेल बना के चलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको गांव से भी दुश्मनी हो सकता है। तो इसमें यानी कि आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स ना चाहके भी आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। अब साथियों देखिए पब्लिक अपेयरेंस है, दोनों में आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो साथियों पब्लिक से इंटरेक्ट अगर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट आपको ये जो ये होता है ये आपको दोनों में भी ऊपर से आ सकता है। ठीक है साथियों, ये तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन मेन आपको बेसिक देखना है साथियों, बेसिक जो देख लिए, बाकी ये ऊपर का जो है ये दोनों में है साथियों। यही है कि जो आपका पंचायत सचिव है इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपको ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसमें भी आपका है ही। अब है साथियों दोनों में क्वालिफिकेशन, तो आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टेक्नीशियन के लिए साथियों मैट्रिक के साथ आईटीआई होना चाहिए, वहीं बीएसएससी में आपको मैट्रिक के बाद इंटर होना चाहिए। इंटर पे आप बीएसएससी इंटर लेवल का अप्लाई किए हैं साथियों।
अब इसमें साथियों की क्वेश्चन पूछने पे तो आपका बीएसएससी में साथियों फुल्ली नंटेक रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपका नंटेक रहेगा। और साथियों इसमें आपको प्रमोशन भी होना है तो नंटेक पे ही प्रमोशन होगा। तो साथियों जो भी व्यक्ति किए हुए हैं वो इंटर के बाद बीए कर सकते हैं, आसानी होता है, बीए के बाद एमए कर सकते हैं। नंटेक कोर्स करना साथियों थोड़ा आसान होता है टेक की अपेक्षा। वहीं साथियों बीएसपीसीएल बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर कोई वैकेंसी है साथियों, आप जो ये टेक्नीशियन बनिएगा इसमें आपको प्रमोशन के लिए टेक्निकल डिग्री ही चाहिए साथियों। जैसे अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो फिर आपको प्रमोशन के लिए डिप्लोमा ही चाहिए, तब आपका जल्दी से प्रमोशन होगा। नहीं तो फिर आपका जो एक स्पेसिफिक टाइम लगता है उस स्पेसिफिक टाइम के बाद ही आपका प्रमोशन होगा, और ज्यादा दूर प्रमोशन से आप नहीं जा सकते हैं साथियों। लेकिन अगर अपर डिग्री टेक्निकल में है तो प्रमोशन से आप जेएसडीओ तक आप जा सकते हैं साथियों। लेकिन वही बात है साथियों, बीएसएससी में आपका इंटर है, इंटर के बाद आपके पास ग्रेजुएशन भी रहता ही है साथियों हर किसी के पास, तो इसमें आपका प्रमोशन जल्द होगा साथियों। अब चूंकि साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इतना ही तक रहने देते हैं साथियों, और भी इसके रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन होगा या कुछ छूट रहा होगा साथियों तो कमेंट कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में उसका हम डिस्कशन कर देंगे साथियों। थैंक यू।